अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये देखें, ये हमने रैबिट्स बनाए हैं। ये व्यूअर्स आप ये बच्चों के डेकोरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप्स वगैरह के ऊपर लगाने के लिए, और इनकी आइज़ के लिए हम आप लोग बीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक कलर के मोती लेके, तो उसकी मदद से आप इनकी आइज़ को बना सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये व्यूवर्स हमने 4 नंबर हुक इस्तेमाल करनी है इसके लिए। तो ये हमने 4 चेन लेनी है, 1, 2, 3 और ये 4, और ये फर्स्ट वाली में इसको इस तरह से हमने ये अटैच कर दिया। अब 1, 2, 3 ये ऊपर हमने 4 चेन ले ली, और अब हमने इसी सर्कल में ये 8 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। ये 4 चेन समेत ये हमारे अब 2 हो गए। ये 3, चार, पांच, छः, सात और ये 8। अब 1, 2, 3, 4, 5 ये व्यूअर्स हमने 5 चेन ले ली, और ये 1 और ये 2 चेन छोड़ के ये इस तरह से हमने नीडल पर धागा लिया। तो ये 2 चेन छोड़ के ये तीसरी में हमने इस तरह से ये डबल क्रोशिया इस तरह से बना ली। अब ये तीसरी व्यूअर्स, ये 3 चेन जो हमारी बच गई हमारे पास, उनमें हमने इस तरह से ये डबल क्रोशिया ये बना लेना है, ये इस तरह से। अब ये इसमें हमने ये जो ये चीज़ हमारे पास, इसमें हमने इस तरह से बनाना है। अब ये जो हमारे पास ये ट्रिपल क्रोशिया लास्ट वाला, ये इसमें हमने 3 दफ़ा ये डबल क्रोशिया इस तरह से ये डबल क्रोशिया हमने बनाना है। और अब ये जो गैप है हमारे पास, ये इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास इसकी नीचे वाली लेग्स जो है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो अब ये जो हमने चेन ली थी स्टार्ट में, अब हमने उसमें 4 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने, 1, 2, 3 और ये 4। अब यहाँ पे हमने 4 क्रोशिया बनाने के डबल क्रोशिया बनाने के बाद ऊपर 3 चेन लेनी है इस तरह से, और ये जो हमारे पास ये 2 डंडियाँ हैं धागे की, चेन हाफ़ उधर से और हाफ नीचे से, इसमें हमने 3 दफ़ा ये डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब हमने ये 3 चेन लेते हुए ये इस तरह से, ये व्यूअर्स ये हमारे पास ये दुम बन गई इसकी। अब हमने ये इसी 4 चेन में एक और ये डबल क्रोशिया इस तरह से ले लिया। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट वाली चेन है, इसमें हमने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया लेने, ये इस तरह से। अब ये जो लास्ट वाली ये चेन छोड़ के बाकी ये 2 चेन छोड़ के बाकी ये इन तमाम में हमने डबल क्रोशिया लेने,
ये इस तरह से। अब ये जो हमारे पास ये चेन बच गई, इसमें हमने तीन दफ़ा डबल क्रोशी लेना है। ये इस तरह से, और इसको हमने छोड़ देना है। ऊपर हमने ये दो चेन ले ली और इसको इस तरह से टर्न किया, और सेम उसी जगह पे हमने ये इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया ले लेना। अब हमने तीन दफ़ा ये क्रोशिया लेना, डबल क्रोशिया एक एक चेन में, ये इस तरह से, ये एक और ये दो, और ये तीसरी चेन में हमने ये सिंगल क्रोशिया ले लिया। अब हमने ये जो चौथे वाली, इसमें हमने दो दफ़ा डबल क्रोशिया लेना है, ये इस तरह से। अब फिर हमने तीन दफ़ा सिंगल, एक एक चेन में ये डबल क्रोशिया लेना है, ये इस तरह से, और ये हमने इसमें डबल क्रोशिया लेना है दो दफ़ा। और अब हमने इसमें लेना है हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से, और इसमें हमने सिंगल, ये इस तरह से। और अब हमने एक चेन लेते हुए टर्न कर देना है, और ये हमने इस तरह से ऐसे ऐसे, ये इस तरह से। अब हमने इसमें ये इस तरह सिंगल क्रोशिया, ये दो में हमने सिंगल क्रोशिया इस तरह से ले लिया, और इसमें हमने हाफ क्रोशिया इस तरह से दो दफ़ा हमने एक ही चेन में से ले लिया इस तरह से। अब हमने फिर तीन दफ़ा ये इसमें हमने डबल क्रोशिया लेना है इस तरह से, और फिर इसमें हमने एक एक चेन में थ्री टाइम हमने ये रिपीट करना है, एक एक चेन में ये, इसमें भी ये सिंगल, इसमें भी ये डबल क्रोशिया एक एक दफ़ा हमारा आ जाएगा। और अब हमने इसमें दो दफ़ा लेना है डबल क्रोशिया इस तरह से। अब फिर हमने एक दफ़ा हर तीन चेन इस तरह से, और ये इसमें हमने अब थ्री टाइम डबल क्रोशिया लेना है, ये इस तरह से। अब व्यूअर्स, हमने इसका दूसरा लेग बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास कोई भी चेन नहीं है, तो वो अब हमने साथ साथ ही इसके ये इस तरह से, ये देखें इस तरह से, और ये अब हमने ये इस तरह से। अब ये जो नीचे हमारे, हमें ये जो, ये देखें, ये दो जो डंडियां हैं उसमें से हमने धागा निकालना है, ये एक दफ़ा इसको बुना, ये दूसरी दफ़ा बुना, और ये हमने ये डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर सेम इसको उसी तरह से ये नीचे वाली दो को लेते हुए, ये एक दफ़ा, ये दूसरी दफ़ा, और ये इस तरह से। अब फिर उसी तरह से ये, अब ये हमने लास्ट टाइम ये करना है, ये इस तरह से, ये हमारी दूसरी लेग आ जाएगी हमारे पास। अब हमने एक, ये एक चेन लेते हुए टर्न किया, और ये इस तरह से ऐसे ऐसी सिंग, ये इस तरह से, ये हमने यहाँ तक व्यूवर्स आना है,
ये वीवर ऊपर जो पूरी चेन होती है उसमें से हमने एक तरफ के धागे में से ये निकालते हुए ये हमने ऐसे ये इस चेन को बंद करते हुए ये इस तरह से ये अब हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमने दो चेन लेनी है और सेम जगह पे हमने इस तरह से ये दो दफ़ा सिंगल क्रोशिया ले लेना। अब व्यूवर्स हमने इसका माउथ बना माउथ नोज़ और ईयर्स ईयर बनाने ये एक में डबल क्रोशिया, अब नेक्स्ट में दो दफ़ा डबल क्रोशिया। ये फिर इसमें एक दफ़ा डबल क्रोशिया और इसमें दो दफ़ा डबल क्रोशिया। और फिर व्यूवर्स वीडियो को कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और ये हमने यहाँ पे दो दफ़ा बनाते हुए ये व्यूवर्स, अब हमने ऊपर 10 चेन लेनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हमने ऊपर वाली दो चेन छोड़ के ये थर्ड वाली में ये हमने हाफ क्रोशिया बना देंगे। अब फिर नेक्स्ट में भी हमने इस तरह से हाफ क्रोशिया और अब ये जो आगे हमने आगे वाली जो चेन है उसमें हमने 4 चेन में हमने ये इस तरह से ये डबल क्रोशिया हमने बनाना है, ये 3 और ये आ गया 4 और अब हमने इसमें ये हाफ क्रोशिया और ये जो ना लास्ट में हमारी 2 चेन बचेंगी तो उसमें हमने हाफ क्रोशिया बनाना है दो दफ़ा और ये हमने ये इस तरह से और नेक्स्ट में भी हमने इसी तरह से ये इस तरह से करते हुए ये व्यूवर्स इस तरह से करते हुए अब हमने एक फिर 10 चेन लेनी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये ऊपर वाली 2 चेन छोड़ के 1 2 और ये तीसरी में हमने अब हमने इसमें अगली 4 चेन में 4 डबल क्रोशिया लेना है, 2 3 और ये 4 और अब ये जो नीचे लास्ट वाली 2 बची इसमें हमने हाफ क्रोशिया लेना 2 दफ़ा ये इस तरह से और नीचे उसी तरह से हमने। तो व्यूवर्स ये हमारे पास इंच के ये देखें ये कान हमारे पास आ गए। अब हमने इसी तरह से नेक्स्ट चेन में चल जाना, 1 2 चेन लेनी है और अगली चेन में हमने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया लेना है इस तरह से। अब फिर इसमें हमने सिंगल क्रोशिया सॉरी डबल क्रोशिया 1 दफ़ा और ये अगली में हमने 2 दफ़ा सॉरी सिंगल ये ट्रिपल क्रोशिया और ये इसमें हमने इस चेन में हमने 2 दफ़ा ट्रिपल क्रोशिया लेना है ये व्यूवर्स। हम इसकी नोज़ की शेप बना रहे हैं। अब हमने नेक्स्ट में डबल क्रोशिया और इसमें हमने
हाफ क्रोशिया और इसमें ये करते हुए हमने ये इसको एक चेन लेने के बाद ये हमने इसको कट कर दी। तो व्यूअर्स ये देखें, अब ये जो हमारा देखिए व्यूअर्स, ये हमारा रैबिट तैयार है। तो व्यूअर्स, एक बीड्स लें आप ब्लैक कलर का या किसी भी कलर का, जिस कलर की आपको इसकी आईज़ चाहिए, तो आप यहाँ पे रख के इसकी तो इसकी आईज़ को बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।